बैंक से फोन आया था, उन्हें भी अपने पैसों की फिक्र पड़ गई है। सावक मर जाओ। ऑफिस नहीं गए भैया आज? गया तो था लेकिन परेशानी की वजह से बैठा ही नहीं गया। इसे जल्दी ऑफ लेकर आ गया। क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ठीक नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि जिन लोगों से लोन लिया है उनका लोन कंपनसेट करें या फिर जो नुकसान हुआ है उसको किसी तरह से पूरा करने की कोशिश करें। शायद हमें इतना बड़ा ऑर्डर लेना ही नहीं चाहिए था। गलती हो गई। छोटा ऑर्डर होता तो नुकसान भी कम होता और उस नुकसान को शायद हम कवर कर लेते। फैसला सही है या गलत इसका पता तो अक्सर वक्त गुजर जाने के बाद ही चलता है। मैंने जो भी फैसला लिया वो हमारी कंपनी के हक में बेहतर था, हमारे लिए बेहतर था। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। भाईजन जो कुछ हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचते हैं। मैं कैलकुलेट करता हूँ कि कितना नुकसान हुआ है और कितना मार्केट में हमें पे करना होगा बैंक वगैरह को। भाईजान मैं सोच रहा हूँ कि रिजाइन कर दूँ और आप लोगों को ज्वाइन कर लूँ। नहीं भैया, इस सिचुएशन में शायद बहुत गलत फैसला होगा ये। शायद हालात बद से बदतर होते जाए। हमने अगर छोटे पैमाने पर भी कंपनी स्टार्ट की फिर से तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे पास बैंक में इतने पैसे भी नहीं है। घर के हालात कैसे चलेंगे? और ऐसे में अगर आपने भी जॉब छोड़ दी तो? अबरार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हो सकता आने वाले वक्त में घर का खर्चा तुम्हें संभालना पड़े। इकरार ये कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे, लेकिन मैं क्या करूं, हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल खाली हाथ हो चुके हैं। कैसी शर्मिंदगी भाईजान? हम साथ हैं तो साथ मिलकर ही हर मुश्किल का सामना करेंगे। और अगर खुदा ना खासा जरूरत पड़ी तो आप हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। मुझे तुम दोनों पर फख्र है। तुम दोनों बाजू हो मेरा। ऐसे ही हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो रास्ते में आई हर मुश्किलात को पार कर लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।